हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय गुरुजी। आज हम नदड़ू और बीन्स की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनाएंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन है बीन्स के साथ नदड़ू का, बहुत ही स्वाद बनकर आता है। पराठे के साथ, रोटी के साथ आप इसको बना के सब्ज़ी को खा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सी सब्ज़ी है और इसमें पौष्टिक तत्व जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से मैं बनाती हूँ। आप मेरी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर बनाइएगा इस सब्ज़ी को। तो चलिए इसके लिए देखें, मैंने 250 ग्राम के करीब मैंने बीन्स ली हैं, जिसको फलियां भी बोलते हैं। साथ में मैंने लिए हैं नदड़ू, ये वेट के अनुसार 300 ग्राम होंगे। और जो नदड़ू लेने हैं, इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि जब भी आपने नदड़ू ख़रीदने हैं तो ये दोनों तरफ से बंद होने चाहिए। तो अगर ये दोनों तरफ से बंद होते हैं नदड़ू, तो इसके अंदर मिट्टी नहीं गई होती है, तो ये अंदर से बिल्कुल साफ़ होते हैं। तो इस तरह से जब भी आप नदड़ू लेंगे तो एक उसको मोटे नदड़ू को लेंगे, जो पतला नदड़ू होता है उसमें एक जाला सा होता है इसका खुद का ही, तो वो फिर पकने में और खाने में इतना स्वाद नहीं लगता है। इसलिए मोटे नदड़ू और साथ में दोनों तरफ से बंद नदड़ू जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हम पील कर लेंगे, पतले पतले इसके छिलके उतार लेंगे। आप इसको चाकू से भी कर सकते हैं, मैं इस तरह से पीलर से इसके पतले पतले जो ऊपर से छिलके हैं ये देखिए इतने पतले उतार लिए मैंने इसको। अब इसके जो साइडों से इसके ये स्टेम है, यहाँ से ये जुड़े होते हैं आपस में नंदरू, हम इसको साफ़ कर लेंगे दोनों तरफ से इस तरह से। देखें, नंदरू को कमलगट्टा भी बोलते हैं और लाटो स्टेम भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो नदड़ू बोलते हैं, आपके शहर में या आपके गाँव में कैसे बोलते हैं, इस सब्ज़ी को क्या नाम बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैं दूसरे नदड़ू को भी साफ़ कर लेती हूँ, इसके भी छिलके उतार के इसकी भी मैं पहले बाहर से सफाई कर लेती हूँ। इस तरह से बड़ी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। दोनों तरफ से इसको भी हम काट लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब इनकी हम कटिंग करेंगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं किस तरह से नदड़ू को काटती हूँ। ये देखिए, इसको मैं तिरछा काटूंगी, आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हैं और लंबे लंबे भी इसको काट सकते हैं। मैं इस तरह से तिरछा एक नदड़ू का पीस इस तरह से उतारूंगी और इस तरह से क्या होगा कि बाकी वाले जो पीसीज हैं इसके नदड़ू के वो तिरछे और लंबे शेप में आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से इतना मोटा इसको हम रखेंगे। तो ये सारे नदड़ू मैं इस तरह से काट लेती हूँ और देखिए आप अंदर से कितने साफ़ हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर मिट्टी नहीं है। ये जो नदड़ू होते हैं ये तालाब में होते हैं, इसीलिए इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये देखें, मैंने नदड़ू को इस तरह से काट लिया है। इस तरह से मैं दूसरा नदड़ू भी काट लेती हूँ और देखिए आप अंदर से बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी मिट्टी इसके अंदर नहीं है। अब मैंने इनको 3 से 4 बार अच्छे से पानी में धो लिया है और उसके बाद थोड़ी देर मैं इसको पानी में डिप करके रखूँगी। ये नॉर्मल पानी में मैंने इसको डिप किया है। अब मैं इतनी देर में बीन्स को काट लेती हूँ। अब देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी है, तो मैंने नंदड़ू से भी पानी निकाल लिया है और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है। देखिए, अब मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप किया है। एक हरी मिर्ची ली है, आप चाहें तो ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 2 मिर्ची भी ले सकते हैं। कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला है, उसको गर्म किया है और उसके बाद मैंने जीरा डाल के प्याज और हरी मिर्ची को तेल में डाल दिया है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। प्याज को हम बुनाई करेंगे प्याज की और इस तरह से इसको भूनते हुए। अब देखिए, इसमें हम हल्दी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच हल्दी डाली है। अब मैं दही डालूँगी, एक कटोरी दही ली है मैंने जो कि ताज़ी है। इसको मैं कुकर में डालूँगी और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इस सब्ज़ी में हमने लाल मिर्ची जो होती है पाउडर वाली वो इस्तेमाल नहीं करनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाला है और आधी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सौंठ का पाउडर डाला है। थोड़े से मैंने कसूरी मेथी के पत्ते जो हैं वो हाथों से क्रश करके सब्ज़ी में डाल दिए हैं। अब देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया है, जो दही है वो भी तैयार है। अब कटी हुई सब्ज़ी हम इसमें डाल देंगे, नदड़ू और बीन्स को हमने इसमें डाल दिया है कुकर में। सारी सब्ज़ी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे।
नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया है इसमें, और जो दही वाली कटोरी थी उसी में मैंने एक कटोरी पानी डाला है और मिक्स करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है सब्ज़ी में। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ एक कटोरी ही मैंने पानी डाला है इसमें। हल्की हल्की सी हमें ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी। कुकर को कर देंगे हम बंद और इसको हम कम आँच पर 3 बिसल आने तक हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए मेरी कुकर में बिसल आ गई है, तो अब इसको हम नॉर्मल करेंगे बिसल को, और उसके बाद कुकर को खोल के मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनते हैं नदरू की सब्ज़ी, जो कि बीन्स के साथ बहुत ही स्वाद बनकर आती है। और देखिए नदरू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बन गए हैं ये। ये देखिए हल्की हल्की ग्रेवी बहुत ही स्वाद लगती है। आप इसे रोटी, परांठे या चावल के साथ खाइए, बहुत ही स्वाद लगती है ये सब्ज़ी। तो देखिए इस तरह से इसकी फाइनल प्लेटिंग में कर रही हूँ, बहुत ही स्वाद सब्ज़ी बनी थी ये। तो ये देखिए इस तरह से बीन्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और हमारे नदरू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो इस तरह से आप ज़रूर इसको नदरू की सब्ज़ी को ट्राई करिएगा। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय गुरु जी।